हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नील सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नील स्लैम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जो Xiaomi इंडिया का MD है मिस्टर मनु कुमार जैन, उन्होंने कुछ समय पहले एक ट्वीट किया है जहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एक नया फोन आ रहा है इंडिया में Xiaomi की तरफ से। पर दोस्तों, यहां पर जो फोन है वो क्या होने वाला है या फिर जो फोन का मॉडल नंबर है वो क्या है, उन्होंने मेंशन नहीं किया है। पर दोस्तों, यहां पर कुछ चीजें हैं जिसको मैं देखने के बाद कंफर्म कर सकता हूं कि जो Xiaomi का नया फोन आने वाला है वो है Xiaomi का MIA3। और दोस्तों, जो XDA का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी दिखा गया है कि Xiaomi का दो नया फोन आ रहा है जिसका कोड नेम है बैम्बो स्पाउट और कॉस्मो स्पाउट। और दोस्तों, ये जो स्पाउट वर्ड है ये जहां पर भी आपको मिलेगा टेक्निकली वहां पर आपको समझ जाना चाहिए कि ये स्टॉक एंड्रॉइड के साथ जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, Xiaomi का जो स्टॉक एंड्रॉइड का फोन आता है वो है Xiaomi का A सीरीज का फोन जो है MIA1, A2 एंड नेक्स्ट आने वाला है MIA3। तो दोस्तों, यहाँ पर जो MI के A सीरीज है ये पॉपुलर है अपने स्टॉक एंड्रॉइड के लिए, अपने कैमरे के लिए और अपने परफॉर्मेंस के लिए। तो एक स्टॉक एंड्रॉइड लवर और एक कैमरा लवर और एक गेमर के लिए ये बहुत ही लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है। तो दोस्तों, ये जो फोन है इसमें नया क्या होने वाला है इसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस फोन में आपको जो चीजें नया मिलेगा वो है इसका कैमरा सेटअप। दोस्तों, इस फोन में आपको इस बार देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप जहां पर आपको एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, जहां पर आपको एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा और एक 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 का सेंसर मिलेगा जो आपको रेडमी नोट 7 प्रो में मिलता है। पर यहाँ पर दोस्तों, जो MIA सीरीज का फोन है उसमें जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर मनु कुमार जैन ने जो ट्वीट किया था उसमें कहा था कि इस फोन में होने वाला है 700 सीरीज का एक प्रोसेसर। तो दोस्तों, ये जो 700 सीरीज का प्रोसेसर है इसमें जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही कमाल के होने वाला है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर दोस्तों, जो नोट 7 प्रो का कैमरा सेंसर आपको मिलेगा बट जो पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको बेहतर मिलेगा नोट 7 प्रो से। और नॉर्मली ये जो रियर कैमरा है ये 4K वीडियो भी सपोर्ट करेगा और EIS को भी सपोर्ट करता है जो नॉर्मली आपको Xiaomi का फोन में मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा वो एक वाटर ड्रॉप या फिर जो U-शेप नॉच होता है वहां पर मिलेगा, जो 32 मेगापिक्सल का सेंसर होने वाला है जो आपको रिसेंटली देखने को मिला था Xiaomi का Y3 मॉडल में। और दोस्तों, यहाँ पर जो चीज सबसे स्पेशल होने वाला है इसका प्रोसेसर। दोस्तों, यहाँ पर मनु कुमार जैन ने टीज तो किया है कि यहाँ पर एक 700 सीरीज का प्रोसेसर होगा, पर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई 700 सीरीज का कौन सा होगा, 710 होगा, 712 होगा या फिर 730 या फिर 730G। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, जो Xiaomi का MIA सीरीज होता है वो जब भी आता है वो एक लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली रूमर्स ये कहता है कि यहाँ पर जो प्रोसेसर होने वाला है वो है स्नैपड्रैगन का 730 या फिर 730G प्रोसेसर हो सकता है। तो दोस्तों, क्योंकि ये प्रोसेसर लेटेस्ट है तो ये प्रोसेसर इस फोन में हो सकता है। और दोस्तों, अगर ये प्रोसेसर आपके इस फोन में मिलता है तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस और जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों आपको मिलेगा वो बहुत ही कमाल के मिलेगा। और यहाँ पर इस प्रोसेसर की मदद से जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है वो भी बहुत ही कमाल के मिलेगा और जो AI सिस्टम है वो भी बहुत ही बेहतरीन और अपग्रेडेड मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही थम्स अप अगर ये स्नैपड्रैगन 730 के साथ आता है तो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ और मुझे बहुत ही मोटिवेशन भी मिलता है आपके एक सब्सक्राइब और लाइक की वजह से। और दोस्तों, इस फोन में आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट जो चीज करेगा वो है इसका बैटरी। दोस्तों, यहाँ पर जो Xiaomi MI का A सीरीज है यहाँ पर ज्यादा बैटरी नहीं मिलता है इस फोन में। और यहाँ पर रूमर्स ये भी बता रहा है कि ये जो MIA3 है यहाँ पर आपको मिलेगा 3500 mAh की बैटरी जो Qualcomm क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 2019 में 3500 mAh का बैटरी उतना खास नहीं होता है क्योंकि अभी PUBG का मौसम चल रहा है भाई रियली में। पर हाँ, यहाँ पर रूमर्स ये भी कह रहा है कि यहाँ पर जो फास्ट चार्जर है 18W का वो आपको बॉक्स में इंक्लूडेड मिलेगा। तो अगर ये चार्जर बॉक्स में इंक्लूडेड मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इस बैटरी के लिए ये ठीक है। और दोस्तों, इसके अलावा आपको जो डिजाइन मिलेगा वो Redmi Note 7 Pro जैसा ही मिलेगा। आपको पीछे की तरफ ग्लास बैक मिलेगा और ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। और यहाँ पर जो कलर होगा वो ऑब्वियसली ग्रेडियंट फिनिश के साथ आएगा जहां पर आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेगा। और ये जो बैक में ग्लास है ये Corning Gorilla Glass 5 से प्रोटेक्टेड भी होगा, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत नहीं आएगा। दोस्तों, सामने की तरफ आपको एक छोटा सा चिन और छोटा सा हेड मिलेगा जहां पर ड्रॉप शेप का कैमरा हो सकता है।
और यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो आपको एक बड़ा 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलेगा जो एक एमोलेड डिस्प्ले हो सकता है, क्योंकि दोस्तों रूमर्स ये कह रहा है कि इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो सकती है। तो दोस्तों अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हुआ तो उसके लिए एक एमोलेड डिस्प्ले चाहिए। तो हाँ, अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है तो एमोलेड डिस्प्ले जरूर होगा। और यहाँ पर जो स्कैनर होगा, आई होप कि ये जो स्कैनर है वो फास्ट हो, क्योंकि Xiaomi ऑब्वियसली अच्छा काम करता है और बहुत ही फास्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर आता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, जो है इसका सिम ट्रे। दोस्तों यहाँ पर जरूर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट ही मिलेगा, क्योंकि एमआई सीरीज में आपको यही मिलता है। और दोस्तों सबसे खुशी वाली बात, जो एंड्रॉइड यूजर है जो एंड्रॉइड वन पसंद करते हैं, क्योंकि ये एमआई सीरीज है, यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ। और दोस्तों इस फोन का प्राइस ऑब्वियसली 15,000 से 18,000 तक हो सकती है, और यहाँ पर बहुत सारे वेरिएंट होगा। तो दोस्तों अगर इस स्पेसिफिकेशंस के साथ ये फोन आता है तो इसके लिए बहुत ही बड़ा थम्स अप Xiaomi के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है या फिर आपके पास कोई लेटेस्ट लीक है तो आप कमेंट में कह सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट।